हेलो व्यूअर्स, जी टीवी देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड जो लोग रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेरी वीडियो बनाने का, वो टॉपिक है R1 वीज़ा फॉर USA, क्योंकि बहुत सारे दिनों से ही ये एक डिमांड चल रही है। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे भी मुझसे ये पूछा है कि R1 वीज़ा क्या होता है USA के लिए। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी R1 वीज़ा क्या होता है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड इसके क्या बेनिफिट्स हैं एंड इसके क्या चांसेस हैं वीज़ा मिलने के एंड कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड रिजेक्शंस जो होते हैं R1 वीज़ा के लिए उसके क्या कारण होते हैं। तो आप ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके एंड जिनके ये डिमांड थी उन्हें भी ये बात से काफ़ी हेल्प होगी। तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि R1 वीज़ा फॉर USA वो वीज़ा होता है जो लोग रिलीजियस टीचर्स, प्रीस्ट या रिलीजियस मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब कि जो लोग एक्सपर्ट होते हैं रिलीजन स्टडीज़ में, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कंट्री के हों, अपने रिस्पेक्टिव रिलीजन के लिए उन्हें ऑथराइजेशन होना चाहिए। वो उस फील्ड में एक्सपर्ट होने चाहिए, उनकी सर्विसेज उस फील्ड में होनी चाहिए, कंटिन्यू सर्विसेज, बीच में कोई भी किसी भी टाइप का ब्रेक नहीं होना चाहिए। एंड आपको R1 वीज़ा USA के लिए अप्लाई करने से पहले आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि आपने USA में R1 वीज़ा अप्लाई करने से पहले किसी और इंटरनेशनल कंट्री में भी आपने 2 साल तक काम किया है या उससे ज़्यादा काम किया है, और आप इस फील्ड में अपनी कंट्री के लिए भी डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं एंड आपका यही प्रोफेशन है एंड आपके रिलीजन में आप बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं उसमें आप बिल्कुल एक्सपर्ट हैं एंड आपके इसी फील्ड की दूसरी कंट्री में, जैसे कि USA में आपकी डिमांड है, तो वहाँ से कोई भी रिलीजन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको स्पॉन्सर करता है R1 वीज़े के लिए। और जो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी डिसिपल रिलीजन का हो तो वो बोनाफाइड होना ज़रूरी है, वो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए एंड उनका मकसद रिलीजन का बिलीफ ही होना चाहिए कि इंटरनेशनल सभी गवर्नमेंट्स, स्पेशली USA की गवर्नमेंट एंड अदर इंग्लिश कंट्रीज़ के गवर्नमेंट भी ये चीज़ को मानते हैं कि रिलीजन एक हमारा नेचुरल राइट है, तो हम उसे किसी भी कंट्री में हम उसे मान सकते हैं। तो एक स्पेशल राइट है ये हम लोगों के पास, तो उसी राइट को ध्यान में रखते हुए USA ने एक स्पेशल कैटेगरी बनाई है R1 वीज़ा। तो जो स्पॉन्सर करते हैं आपको वो नॉन प्रॉफिटेबल होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन एंड वही जो है बिल्कुल जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बाय लॉज के हिसाब से वो अपडेट होने चाहिए, क्योंकि उनकी वेरिफिकेशन होती है, उनकी साइट विजिट्स होती हैं, उसके बाद आपके नाम का जो अप्रूवल है ये वहाँ से स्पॉन्सर बन के आता है आपके नाम के लिए। वहाँ से स्पॉन्सरशिप आने के बाद में आपको किसी भी कंट्री से आप अप्लाई करना चाहते हैं आपका R1 वीज़ा, तो आपके जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हैं आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, यानी कि आपकी रिलीजन एजुकेशन कितनी है, आप कितने एक्सपर्ट हैं या आपकी कितनी प्रैक्टिस है, आप कितने एक्सपीरियंस हैं इस फील्ड में एंड आपका स्पेसिफिक फील्ड किस में है एंड आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी सर्विसेज की वहाँ पे ज़रूरत है। एंड आप USA R1 वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपनी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में 2 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं, यानी कि आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है एंड आप रेगुलरली अपने रिलीजन के फील्ड में सर्विसेज दे रहे हैं अपनी कंट्री में एंड आपके रिलीजन की आपको पूरी नॉलेज है, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये वीज़े की जो ड्यूरेशन होती है मैक्सिमम 30 मंथ्स तक होती है। 30 मंथ्स के लिए आपको अलाउड किया जाता है कि आप USA में रह सकते हैं। 30 मंथ्स के बाद अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आपसे खुश है, आपकी सर्विसेज से बिल्कुल सेटिस्फाइड है एंड अगर वो चाहें आपको परमानेंट इमिग्रेशन के लिए भी वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं,
क्योंकि आपका R1 वीज़ा रिलीजियस वीज़ा है, तो आपको वहाँ पे आपकी सेवाओं के लिए आपको दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, या आपकी परमानेंट इमिग्रेशन के लिए या आपके ग्रीन कार्ड के लिए वही लोग आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं आपको वीज़े की एक्सटेंशन के लिए। और एक क्वेश्चन ये होता है कि आपका जो इंटेंशंस है वो इतना ही होना चाहिए कि आपको वहाँ जाकर सिर्फ रिलीजन की ही सेवा करनी है, एंड जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस इंस्टीट्यूशन ने आपको सर्विसेज के लिए बुलाया है, सेवाओं के लिए बुलाया है, आप सिर्फ उन्हीं के पास काम कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आप उनके साथ कोई भी डिसएग्रीमेंट है, या किसी वजह से आप किसी और इंस्टीट्यूट में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको स्पॉन्सरशिप लेटर ज़रूर वही होगा, वो सामने वाले जो है आपको दोबारा अपने नाम पे आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा, एंड ये जो पुराने जो आपको बुलाते हैं ये आपका जो है वॉइड करेंगे, कैंसिल करेंगे, दूसरे लोग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। एंड रिलीजन वीज़े के ऊपर आप सिर्फ रिलीजियस वर्क ही कर सकते हैं, सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के साथ आप रह सकते हैं, अपनी सेवाएं दे सकते हैं, आप दूसरा और कोई भी काम आपको करना लीगली अलाउड नहीं होता। R1 वीज़ा अप्रूव होने के बाद में आपको बेनिफिट ये है कि आपकी फैमिली, आपके डिपेंडेंट आपके साथ USA में रहने के लिए आ सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पॉन्सर कर रही है वो आपकी फैमिली को भी अकोमोडेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस प्लस आपकी जो वेजेस है वो आपको प्रोवाइड करेगी। एंड जब आपकी फैमिली USA में जाएगी आपके साथ, तो आपको आपकी डिपेंडेंट्स को जो है वहाँ पे स्टडी करने का राइट होगा, पर वहाँ उनको कोई और काम करने का राइट नहीं होगा। आपको जिस इंस्टीट्यूट ने स्पॉन्सर किया है आपको वहीं पे अपनी सेवाएं देनी होंगी। अब नेक्स्ट बात यह है कि बाय चांस आपका वीज़ा कन्वर्टेबल नहीं है, आप अपने रिलीजियस वर्क में ही इंगेज रहेंगे, अगर आपकी स्पाउस आपसे ज़्यादा अलग फील्ड में क्वालिफाइड हैं, जैसे कि वो अकाउंटेंट हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या जो भी किसी और अदर फील्ड में क्वालिफाइड हैं, तो IT में हैं, अगर किसी और फील्ड में हैं, तो वो अपने वीज़े को कन्वर्ट करवा सकती हैं H1B में। एंड अगर आपके बच्चे एक्सपर्टाइज हैं एंड अंडर 21 हैं, तो वो अपने वीज़े को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इसमें जो डिपेंडेंट होते हैं आप के स्पाउस और आपके बच्चे होते हैं, बाकी आपके डिपेंडेंट कैटेगरी में नहीं आते। तो अब ये क्वेश्चन होता है कि क्या ये वीज़ा ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट होता है? यस, बिल्कुल होता है। एंड जब आप वहाँ पे 30 मंथ्स के लिए रहेंगे, जब आपको दोबारा एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो आपको वो दोबारा एक्सटेंशन 10 ईयर्स के लिए भी मिल जाती है, और अदरवाइज आपको जो है परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, सॉरी ग्रीन कार्ड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके साथ आपकी सारी फैमिली, अंडर 21 जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं, वो भी आपके साथ ही ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाते हैं। तो आपको इस बात का ये ख्याल रखना है कि आप अपनी मर्जी से वहाँ जाने के बाद में कोई भी काम नहीं कर सकते, आप जो काम के लिए आए हैं आपको वही काम करना है, और कहीं पे भी जाके आपको इधर उधर या किसी के साथ आप काम नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात ये है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन हैं कि जो रिलीजियस लोग होते हैं, जैसे प्रीचर्स हैं, प्रीस्ट हैं, ज्ञानीज हैं, या फिर और अदर टाइप के जितने भी ये रिलीजियस बेस्ड जो लोग हैं ये USA में जाना चाहते हैं, इनके वीज़ा रिजेक्शन के क्या कारण हो सकते हैं? तो वीज़ा रिजेक्शन का सबसे पहला कारण तो यही हो सकता है कि जो आपको स्पॉन्सर कर रही है ऑर्गेनाइजेशन वो बोनाफाइड है या नहीं है, उनके वहाँ पे पूरे जो वेरिफिकेशंस या इंक्वायरीज हुए हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है। एंड दूसरी बात है कि जब आपका इंटरव्यू होता है, तो आपको ये अपने जो है इंटेंट नॉन इमिग्रेंट बताना पड़ेगा। अगर आपके इंटेंशंस में से, आपकी इंटरव्यू से ये पता चल गया कि आप वहाँ जाके कुछ और काम में, या वहाँ से आप कभी वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि क्वेश्चंस में एंड आपके बिहेवियर से वो बात बिल्कुल समझ आती है वीज़ा ऑफिसर्स को, तो आपके रिजेक्शन के कारण होते हैं ये। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये प्रूव करना है कि आप वहाँ पे जा रहे हैं, टेम्परेरी वीज़े पे जा रहे हैं, आप वहाँ परमानेंट नहीं जा रहे,
आपका जो ये वीज़ा है ये आप एक स्पेसिफिकली अपनी सर्विसेज के लिए एक लिमिटेड इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं जहाँ पे आपकी सर्विसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड आप उन्हीं के साथ काम करके अपनी कंट्री में वापस आ जाएंगे। आपको ये बात प्रूफ बहुत ही ज़रूरी है करनी। अगर आपके पास रिलीजियस एजुकेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट हैं, या आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, या पेपर में कुछ ऐसा है जो आपकी परफॉर्मेंस हैं रिलीजियस बेस पे, एंड आप अगर ये प्रूव करते हैं कि आपने अपनी कंट्री में भी ये सर्विसेज दी हैं, तो आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आपकी इंटरव्यू में आप फेल हो जाते हैं ये प्रूव करने में कि आपकी इंटेंट परमानेंट इमिग्रेशन की है, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपको यही प्रूव करना है कि आप वहाँ टेम्परेरली जा रहे हैं, आप परमानेंट इमिग्रेंट बन के नहीं जा रहे। आपकी कंट्री में आपकी सर्विसेज की भी ज़रूरत है, तो आप यूएसए में टेम्परेरी जाके वापस आएंगे एंड आप वहाँ नहीं रहेंगे। बट आप वहाँ जाने के बाद रह सकते हैं, अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, आपका वीज़ा कन्वर्टेबल होता है, आपको लॉन्ग लाइफ वीज़ा भी मिलता है। आपकी फैमिली मेम्बर्स अगर एजुकेटेड हैं, आईटी में हैं या किसी और फील्ड में हैं, उनका भी वीज़ा कन्वर्ट होता है, और आपके साथ उनका तो अंडर 21 अगर चिल्ड्रंस है तो वैसे ही भी हो जाता है। तो इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि आप चाहे किसी भी रिस्पेक्टिव रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आप प्रीस्ट हैं, आप मुल्ला हैं, आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ्स हैं आपकी एलिजिबिलिटी के, आपके एक्सपीरियंस के, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के, एंड अपनी कंट्री के प्रूफ्स हैं कि आप इसी सर्विसेज में अपना लाइफ बिताना चाहते हैं, तो आपका वीज़ा कोई नहीं स्टॉप कर सकता। ये एक बशर्ता कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपको बुला रही है वो वहाँ पे बोनाफाइड हो एंड रिकॉग्नाइज हो एंड नॉन प्रॉफिट हो। एंड आपको ये बात आपको भी और जो आपको स्पॉन्सर कर रही है ऑर्गेनाइजेशन वो भी, कि आप किसी भी तरह से किसी भी बात के लिए आप स्टेट पे डिपेंड नहीं होंगे। आपकी जो भी वेज होगी वो ऑर्गेनाइजेशन आपको पे करेगी। आप किसी भी टाइप की गवर्नमेंट फैसिलिटी या आप डिपेंड नहीं होंगे गवर्नमेंट के ऊपर, ये आपको प्रूफ देना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।